आज हम उस महान खिलाड़ी के बात करेंगे जिन्होंने जिंदगी में सफलता के भी साथ चाका और जीवन की अंधकार में गोता लगाया। हम 5.5 इंच कंधे वाले फुटबॉल की दुनिया में एक महान खिलाड़ी डियोगो माराडोना की बात करेंगे। उन्हें द गोल्डन बॉय अर्थात सुनहरा लड़का भी कहा जाता था। उन्होंने अपने खेल के द्वारा ऐसा नाम कमा लिया था कि उसके नाम सुनते ही विरोधी टीम का हालात खराब हो जाते थे, परंतु उन्होंने इसी जिंदगी में नरक भी देखा था। आज हम आपको बताएंगे कि हम और आप माराडोना से कौन सी बात सीख सकते हैं। माराडोना ने एक बार कहा था, मैं माराडोना हूँ जो गोल भी करता है और गलतियाँ भी करता है। मैं सब कुछ झेल सकता हूँ। मेरे कंधे इतने चौड़े हैं कि मैं सबसे लड़ सकता हूँ। ऐसा बेबाकी रखने वाला महान फुटबॉलर डियोगो आर्मिंदो माराडोना का जन्म 30 अक्टूबर 1960 को अर्जेंटीना के लुइंस में स्थित पॉलीक्लिनिक एबिटा अस्पताल में हुआ था। वो अपने माता पिता की 4 बेटियों के बाद पहला बेटा था। उसके बाद उनके 2 भाई भी थे। 12 साल की बॉल बॉय के रूप में उन्होंने एक मैच में हाफ टाइम के दौरान फुटबॉल से ऐसा करतूत दिखाया जिसे देखकर दर्शक चकित रह गए। उसके बाद उन्होंने 15 साल की उम्र में प्रोफेशनल फुटबॉल खेलना शुरू कर दिए थे। 1977 में 16 साल की उम्र में उन्होंने अर्जेंटीना की तरफ से हंगरी के खिलाफ खेलकर अंतर्राष्ट्रीय खेल में अपने डंका बजा दिए थे। इससे उन्होंने अर्जेंटीना के सबसे कम उम्र में इंटरनेशनल फुटबॉल खेलने वाले खिलाड़ी बन गए। 1982 में उन्होंने अपना पहला वर्ल्ड कप खेला अपने नए देश स्पेन में, और इसी साल स्पेन के फुटबॉल क्लब बार्सिलोना के लिए खेलना शुरू किया, और तब उन्हें बार्सिलोना फुटबॉल क्लब से वार रिकॉर्ड फी 7.6 मिलियन US डॉलर अर्थात आज के हिसाब से करीब 56 करोड़ रुपए लिए, जो उस समय उनको सबसे महंगे खिलाड़ी बनाया। बाद में बार्सिलोना को छोड़कर 1984 में यूरोप के एक कमज़ोर फुटबॉल क्लब नेपोली ज्वाइन करे। माराडोना अपने दम पर नेपोली फुटबॉल क्लब को यूरोप के सबसे बेहतर फुटबॉल क्लब में शामिल कर दिए। इससे हमें सब पता चलता है कि माराडोना कितने अच्छे फुटबॉल के खिलाड़ी थे। 1986 में हुए फीफा वर्ल्ड कप में माराडोना अर्जेंटीना के साथ खेलते हुए वर्ल्ड कप जीत गए, और इस जीत में माराडोना की भूमिका को सराहना गया। और इस वर्ल्ड कप माराडोना के द्वारा 2 गोल के कारण हमेशा याद किया जाएगा। इंग्लैंड के साथ क्वार्टर फाइनल के मैच में माराडोना के पहला गोल को गो हैंड ऑफ द गॉड कहा गया और दूसरे गोल को गोल ऑफ द सेंचुरी कहा गया। उन्होंने इस महान 2 गोल को सिर्फ 4 मिनट के अंतर किया था। पहला गोल उन्होंने एक तरह से धोखे से की थी और दूसरा अपनी रफ्तार और टेक्निक से किया था। उसके बाद उनके जीवन की सूरज धीरे धीरे डूबने लगी। 1994 में उनको ड्रग्स की चार्ज में पॉजिटिव पाया गया और उस साल उन्हें फुटबॉल की वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया गया। और इसके साथ ही 1997 में जब वो 37 साल के थे तब उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खेल से संन्यास ले ली। ड्रग्स के बारे में माराडोना लिखते हैं, I am and I always will be a drugs addicted. A person who gets involved in drugs has to fight it every day. इसी सोच के कारण माराडोना की इतनी शानदार करियर बीच में ही अंत हो गए। 2008 में अर्जेंटीना टीम के लिए माराडोना को कोच के रूप में चुना गया और 2011 में उनको यूए के क्लब अल वसल के लिए कोच के रूप में चुना गया। उसके बाद वो बहुत सारे क्लब के लिए कोच बने रहे। माराडोना आज भी अर्जेंटीना के साथ पूरी दुनिया की फुटबॉल फैन के लिए एक हीरो हैं, थे और रहेंगे। फुटबॉल की इस भगवान ने 490 ऑफिशियल क्लब गेम्स खेलते हुए 21 साल की करियर में
259 गोल्स और अर्जेंटीना के लिए खेलते हुए 91 मैचों में 34 गोल दागे। इस महान फुटबॉल तारका 25 नवंबर 2020 को केवल 60 वर्ष की उम्र में हम सबको छोड़कर बहुत दूर चले गए। इस पूरी कहानी से हमें ये साफ पता चलता है कि ड्रग्स साजी हुई जिंदगी को उजाड़ सकती हैं। आपको कीमती समय देकर वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। इस वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो।